नमस्कार दोस्तों, वैदिक एस्ट्रो लाइफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सपने में कमल का फूल देखना। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारे वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि इसमें कही गई बातें आपको अच्छे से और स्पष्ट समझ में आ सके। तो चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों सपने में कमल का फूल देखना, अगर आपको कमल का फूल दिख जाता है रास्ते में या फिर कहीं नदी तालाब में, तो मन में एक अलग से उत्सुकता आ जाती है और उस फूल को लेने के लिए हम बहुत ही प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ हम बात करने वाले हैं सपने में अगर कमल का फूल दिख जाता है तो बहुत ही शुभ सपना होता है। ये सपना अच्छे भाग, नौकरी, व्यापार में सफलता मिलने का संकेत देता है। दोस्तों कमल के फूल में माँ सरस्वती विराजमान होती हैं जो कि विद्या की देवी हैं। कमल का फूल कीचड़ में होता है लेकिन उसी कीचड़ से एक अच्छा सा और प्यारा सा फूल निकल आता है। उस फूल को तोड़ने के लिए, उस फूल को पाने के लिए लोग कीचड़ तक में भी चले जाते हैं, लेकिन वही कीचड़ कहीं और दूसरी जगह हो, सड़क के साइड में हो, तो लोग चलते चलते उस कीचड़ को पार कर जाते, मतलब कि उसमें पैर पड़ने ना पाए। तो यही बात है कि अच्छी चीज़ें लोगों को कहां से कहां तक पहुंचा देता है। दोस्तों सपने में टूटा हुआ कमल देखना, अगर आप अपने सपने में कमल का टूटा हुआ फूल देखते हैं तो पारिवारिक रिश्तों में कड़वाहट पैदा होती है और आपके जीवन में जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़ा या फिर किसी भी प्रकार की गलती आप कर सकते हैं। उस समय आप कोई निर्णय न लें जो कि बाद में आपके लिए परेशानी बन सकता है। दोस्तों अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।